भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के तूफानी चुनावी दौरे आज जारी रहेंगे। आज चार जिलों के दौरे पर सीएम मोहन यादव रहेंगे। उमरिया, डिंडोरी, मंडला और सिवनी जाएंगे सीएम। यहां सुबह 11 बजे से कार्यक्रम उनका शुरू होगा। उमरिया में कार्यकर्ताओं से मुलाकात 11 बजे करेंगे उमरिया में। वहीं दोपहर 12 बजे डिंडोरी पहुंचेंगे, जनसभा को वहां संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे मंडला में सीएम की चुनावी जनसभा रहेगी और दोपहर 3 बजे सिवनी के लखनादौन में रोड शो करेंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे वोट की अपील। ताबड़तोड़ चुनावी दौरे मुख्यमंत्री के जारी हैं। अलग अलग जिलों में वो पहुंच रहे हैं। आज देखिए चार जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत कम समय अब रह गया है और ऐसे में उससे पहले ही लगातार चुनाव प्रचार का जो आगाज है वो हो चुका है। नीलम जुड़ गई है हमारे साथ। नीलम, आज चार जिलों का दौरा मुख्यमंत्री मोहन यादव का रहने वाला है, कैसे कैसे कार्यक्रम रहेंगे, कब से कार्यक्रम शुरू उनका होना है और कौन कौन वहां पर उनके साथ रहेगा मौजूद? बिल्कुल, देखिए पहले चरण की चुनाव की जो प्रक्रिया है नामांकन की, वो अब खत्म हो चुकी है और चुनावी प्रचार शुरू होने वाला है। और इस चुनावी प्रचार में सीएम मोहन यादव जो है खुद भी शामिल होंगे। आज सीएम जो है मंडला लोकसभा सीट के तहत आने वाली उमरिया, डिंडोरी और मंडला जिले के अलग अलग इलाकों में जाकर जो है चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ उनकी रैली भी जो है यहां पर निकाली जाएगी। सबसे पहले सीएम जो है भोपाल से रवाना होंगे करीब 10 बजे के आसपास और 11 बजे जो है उमरिया पहुंचेंगे, जहां पर उनकी एक रैली होने जा रही है। साथ ही आम सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उमरिया का कार्यक्रम खत्म होने के बाद यहां से जो है सीएम डिंडोरी के लिए रवाना होंगे। डिंडोरी मंडला लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ये माना जाता है, तो आदिवासियों को साधने के लिए सीएम खुद भी जो है चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। आज डिंडोरी में भी उनकी जो है आमसभा होने जा रही है। वहीं डिंडोरी के कार्यक्रम के बाद सीएम मंडला जो लोकसभा सीट है उसके लखनादौन विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पर भी उनका एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो लगातार जो हम देख रहे हैं कि सीएम मोहन यादव खुद चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। हर दिन वे अलग अलग लोकसभा सीटों के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और आज भी मंडला लोकसभा सीट के 3 जिलों में उनकी जो है दौरे होने जा रहे हैं, जहां पर उनकी रैली भी निकाली जाएगी। साथ ही साथ आमसभा को संबोधित करते हुए सीएम नजर आएंगे। बीजेपी के पक्ष में पूरा माहौल बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। जी बिल्कुल, और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार चुनावी प्रचार तो जारी है और साथ ही जनता से कनेक्ट करने की जो कोशिश है वो हो रही है। जो ये दौरे हो रहे हैं, क्या इसमें मोदी की जो गारंटी है उनको भी गिनाया जा रहा है? चूंकि हमने देखा था विधानसभा चुनाव में नीलम, कि कहीं ना कहीं मोदी का मैजिक चला था, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। क्या इस बार भी पीएम के चेहरे पर चुनाव ये लड़ा जाएगा, या इस बार की जो कुछ मुद्दे रहेंगे वो अलग रह सकते हैं? मध्य प्रदेश के जो बेसिक मुद्दे हैं उनको गिनाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये पूरा जो चुनाव है वो भी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे में लड़ा जा रहा है। विधानसभा में जिस तरह से जो है राज्य सरकार की योजनाओं के साथ साथ मोदी की गारंटी को भुनाया गया था, ठीक उसी तरह से जो है लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी और इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो बड़ी योजनाएं हैं उनका जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के अपने अलग मुद्दे होते हैं, संसदीय क्षेत्र के अपने अलग मुद्दे होते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने चुनावी रणनीति पूरी तरह से तैयार की है। हालांकि जो नारा हमने, जो जिंगल्स हमने बीजेपी के सुने थे कि मोदी के एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, इस जिंगल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में भी किया जा रहा है। पर पूरा चुनाव अब भी जो है पीएम मोदी सेंट्रिक ही है, उन्हीं पर केंद्रित है। और जो है स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहला नाम मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का ही है। और ये रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से कि 4 चरणों में जहां मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, अलग अलग चरणों में एक एक दौरा पीएम का प्रस्तावित हो, ताकि उनके चेहरे की लोकप्रियता जो है लोकसभा चुनाव में बुराई जा सके। हालांकि वो कौन कौन सी सीटें होंगी ये अभी तय नहीं हुआ है, पर माना जा रहा है कि एक एक चरण की जो भी महत्वपूर्ण सीटें होंगी उनमें पीएम मोदी के 4 दौरे होंगे। तो जाहिर तौर पर यही नजर आ रहा है कि जिस तरह से बीजेपी कहती है कि हम उनका जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है और पीएम मोदी की गारंटी ही जनता के वोट की गारंटी होगी, तो उसी नारे के साथ जो है बीजेपी चुनाव प्रचार भी कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।